जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मद निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए वन लाइनर जीके जीएस का ये दूसरा नोट्स है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कल की क्लास से नोट्स तैयार कर लिया होगा और किसी भी हाल में आप लोगों को इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप लोग इस क्लास को डेली अटेंड करेंगे। इस क्लास का टाइमिंग है डेली रात 9 बजे से और बिहार मद निषेध सिपाही के लिए मेरे जितने भी क्लास चलते हैं, अगर आप सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी आप लोगों के पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस नोट्स का पहला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। दूसरा प्रश्न है, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है जयसिंह। तीसरा प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख लिखा गया था? तो ऐहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चौथा प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रवि कृति से। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऐहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में है और किसके द्वारा लिखा गया था? तो रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। पांचवा प्रश्न है, वातापी कोंड की उपाधि किस पल्लव शासक ने ग्रहण की थी? तो सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। कांची कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर है विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। सातवां प्रश्न है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों, चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमादि देव, ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर में किसका मंदिर सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो ध्यान दीजिए, खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना गया है कंदरिया महादेव का मंदिर को। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी थी और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको ध्यान रखिए। आगे देखिए, प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस धातु की है? तो नटराज की मूर्ति जो है ये कांसा धातु की बनी है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में शामिल सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो इसका नाम है राइजोबिया, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में शामिल सूक्ष्म जीव का नाम है राइजोबिया। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में टोटल 6 हड्डियां होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेप्स, ये कान की ही हड्डी होती है, ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की नाम क्या है? तो स्टेप्स है। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? तो सपाट अस्थियाँ जो है ये खोपड़ी में होती है। रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ क्या है? तो ये हीपेरिन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और अगर आपसे पूछे कि रक्त की जो प्रकृति है वह कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय? तो देखिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अगर 7 के बराबर हो तो वह उदासीन होता है और 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है यानी 7 से अधिक है, तो रक्त जो है ये क्षारीय प्रकृति का है, ध्यान रखना है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वासियोर्कर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, और हम इसको आपको बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्कर नामक बीमारी होती है। पौधों में रस आरोहण यानी जल जो होता है ये किसके द्वारा चढ़ाव होता है? तो इसका सही जवाब है ये जाइलम के द्वारा होता है।
अगर खाद्य पदार्थ पूछे यानी भोज्य पदार्थ, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। दोनों को ध्यान रखना है, जल पूछे तो जाइलम और खाद्य पदार्थ पूछे तो फ्लोएम। अदरक क्या है, तो अदरक देखिए एक भूमिगत तना है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अदरक क्या है, एक भूमिगत तना है। 20 नंबर में है, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है, तो ये हक बिंदु होता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त कहाँ जाता है, तो ये महाधमनी की तरफ जाता है। इसको ध्यान से देखिए, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होगा तो रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी की तरफ। तंत्रिका तंत्र का भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन सा भाग है, तो ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा है, याद रखना है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो ये पदार्थ है प्रतिज्वर। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है, तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर, यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस की बात की जा रही है, इसका सही आंसर है आर्गन है, ध्यान रखना है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो हमने आपको बताया था उत्प्रेरक क्या करता है, यह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। मार्बल किसका कायांतरित रूप है, तो मार्बल जो है ये चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का सूत्र भी पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, संगमरमर का भी यही होता है CaCO3। धातुएं क्यों सुचालक होती है, तो देखिए क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए धातुएं सुचालक होती है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः होते हैं, तो सल्फोनेट होते हैं इसमें। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप सीसा यानी कि लेड बनते हैं। पैराफिन मोम क्या है, तो ये एक पेट्रोलियम मोम है। आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो भारत में गरीबी माप के लिए लकड़वाला समिति को बनाया गया है, ध्यान रखना है। तो ये जो संबंध है इसका गरीबी से है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल 193 सदस्य देश है, ध्यान रखना है। और 193 जो सदस्य देश बना है ये दक्षिणी सूडान बना है, इसको भी ध्यान रखेंगे, दक्षिणी सूडान ये 193 सदस्य देश बना है। किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में, ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 है। अच्छा, आप लोग बताएंगे नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में, ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 1982 में। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी, तो रोंटजन ने एक्सरे किरण की खोज की थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। सिलिकॉन वैली पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार किस राज्य में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। कोयले के चार प्रकार होते हैं और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है, और लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। चार प्रकार कोयले के कौन कौन से हैं, तो आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और फिर पीट है, ध्यान रखना है। हमारी आकाशगंगा किस प्रकार की है, तो सर्पिलाकार जिसको अंडाकार भी कहते हैं, हमारी आकाशगंगा है।
शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो सही जवाब है नागार्जुन। किस गुप्तकालीन शासक के दरबार में नौ रत्न रहते थे? जिस तरह से अकबर के दरबार में नौ रत्न थे, उसी तरह इसमें आपको पूछा गया है कि किस गुप्तकालीन शासक के दरबार में नौ रत्न रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कुछ नाम बता देते हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, धन्वंतरी हो गया, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और अगर आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप लोग साइड में नाम भी लिखते जाइएगा। चलिए आगे देखिए, किस विजयनगर शासक के काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, ध्यान रखना है, ये बाबर के समकालीन थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला था? तो 1987 में मिला था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है जेम्स विलियम ने। तपेदिक रोग होने का कारण क्या है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, आपको ऑप्शन में दे सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है ये तीनों है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, प्रकीर्णन भी है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है ये किस पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है? तो ये सिलिकॉन है। किसी कांच के छड़ को, यहाँ पे छड़ होगा, रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? तो इस पर प्लस चार्ज होगा, धन आवेश। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आप लोग भी साइड में लिख लीजिए, C2H2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है, ध्यान रखना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जाता है, तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग साइड में इसको भी नोट डाउन करेंगे। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु और अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा आवर्त है? तो ये पी ब्लॉक है, ध्यान रखना है, कौन सा है? पी ब्लॉक है। और हमने जो आपको बताया कि टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, ये प्रश्न 16 अक्टूबर 76 पोस्ट वाला बिहार मध्य सिपाही में पूछा गया था। अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये मस्तिष्क है। और इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के नोट्स में हम लोगों ने 55 प्रश्नों को कवर किया, और इस क्लास का नोट्स आप लोग आज ही तैयार कर लेंगे, कल पर नहीं छोड़ना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,